हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को साउंड पे ही वीडियो को शूट कर लेना है और वीडियो को प्राइवेट में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से एक वीडियो आपको शूट कर लेना है, सिर्फ आपको इसमें बैकग्राउंड देखना चाहिए। इस तरह से वीडियो शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सैलेंट, आप देख रहे टेक्निकल सैलेंट यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आने हैं, जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट शूट किया था उस वीडियो को भी सेलेक्ट हमें कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों वीडियो सेलेक्ट कर लिया। हमें स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है आपको बैकग्राउंड दिखाना है, तो सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद हमें कुछ सीन जो है हमें दीवार पे चिप दीवार में दिखाना है, तो सिंपल हमें करना क्या है, वीडियो क्लियर इस पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट यस लेयर ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसे हमें लास्ट तक इस तरह से हमें लेकर आ जाना है। तो वीडियो हमारा फर्स्ट वाले कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसे हमें डिलीट कर देना है, इसको क्लिक करना है, इस तरह से हमें इसे हल्का छोटा कर देना है। क्रॉप पे क्लिक करना है, ऐसे हमें सबसे पहले क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि वीडियो जो फोटो जो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। क्रॉप करने के बाद इसे हम पे क्लिक करेंगे, इसको हमको सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है ऊपर की तरह। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने गूगल से मैंने एक मिरर का PNG डाउनलोड कर रखा हूँ, तो डाउनलोड करने के बाद ब्लेंडिंग पे आना है, इसे हमें मल्टीप्ले कर देना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम इस तरह से जूम कर कर सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। लगना चाहिए कि हम मिरर के अंदर से बोल रहे हैं। फर्स्ट वाले वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, इसे लास्ट तक लेकर आएंगे इस तरह से, और इसके बाद इसे एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद हमने एक माला के वीडियो का डाउनलोड कर रखा हो PNG को, तो उसे भी हमें सेलेक्ट कर लेना है, सही तरह से एडजस्ट नहीं हुआ तो इस तरह से आपको बड़ा कर देना है। इसके बाद लेयर पे आने में मीडिया पे आना है, फिर से मैंने एक PNG माला का डाउनलोड कर रखा हो, तो इसे भी हम डॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लेंडिंग पे आना है, इसके बाद हमें इसे भी हमें मल्टीप्ले कर कर सही तरह से हमें एडजस्ट इसे कर देना है। तो चलो मैं फटाफट एडजस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर एडजस्ट मैंने कर दिया हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाले वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जैसे वीडियो को एक बार प्ले करना है, जैसे कि उसका बाप का बोलने का सीन आता है, जैसे कि यहाँ पे बोलता है नमक के डब्बा पे रखे हुए, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर डरने की एक्टिंग करते हैं, तो सिंपल फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद इस बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करना है और इसे हमें बैकग्राउंड को इस सेंटर में लेकर आ जाना है बीच में। इसके बाद फिर से हमें इस पर क्लिक करना है, इसे हमें इस तरह से इस साइड लेकर आ जाना है। इस वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट यस लेयर ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हमें इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद फिर से हम इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रॉप पर क्लिक करेंगे, इसे हमें इस तरह से छोटा कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको इस वीडियो को आपको क्लिक करना है, इसे हमें डिलीट कर देना है। सिंपल इस पर वीडियो के पर क्लिक करेंगे और इसको सुपर इस तरह से छोटा सा एडजस्ट छोटा करके एडजस्ट कर देना है सेंटर में ऊपर की तरफ। और इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने PNG मिरर वाले डाउनलोड किए थे उसे सेलेक्ट करना है। ब्लेंडिंग पे आना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्ले कर कर एडजस्ट कर देना है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, इस तरह से जूम करना है और सही तरह से आपको एडजस्ट यहाँ पर आपको कर देना है। और इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद फिर से हमें लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे जो माला का सीन है वो फोटो को सेलेक्ट करना है। ब्लेंडिंग पे आना है, मल्टीप्ले पे क्लिक करना है और इसे भी आपको सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है।
शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।